किसानों को बारिक में लॉकडाउन की सूरत हाल क्या होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काबीना कमेटी द्वारा कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना कमेटी रमजान और मुबारक में लॉकडाउन से मुतालिक सिफारिशें मुरतब करेगी। शहर में लॉकडाउन के लिए लगाए गए नाकों की तादाद में मजीद कमी कर दी गई। शहर में इस वक्त मजमूई तौर पर 56 नाके मौजूद हैं। लॉकडाउन के आगाज पर शहर में 229 नाके लगाए गए थे। नाकों में कमी माह रमजान की सिक्योरिटी के मद्देनजर रखकर की गई। शहर से मजमूई तौर पर 172 नाके खत्म कर दिए गए। शहर में जुज़वी लॉकडाउन का 30वां रोज कानून शिकन अनासिर के खिलाफ 2064 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 1,85,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग देकर घर भेजा जा चुका है। पंजाब पुलिस की तमाम कांस्टेबलरी कोरोना वायरस और सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। एहसास प्रोग्राम नाकों और रमजान सिक्योरिटी पर पुलिस की ड्यूटियां लग गईं। IG की तरावी और नमाज में अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जिले इंतजामिया ने एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 9,028 अफराद को 12,000 फीसद अदायगी की गई। गुज़िश्ता रोज 11,01,09,000 की अदायगी हुई। 11 दिनों में 1,02,439 अफराद को एहसास कफालत की रकम अदा की गई। आज 12वें रोज भी रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदारों की माली मुआवनत करने का फैसला। बेरोजगार मजदूरों दिहाड़ीदारों का डाटा इकट्ठा करने का काम तेजी से जारी है। डाटा इकट्ठा करने के बाद तमाम बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदारों की माली मुआवनत की जाएगी।